गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और सैटरडे हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चलता है। वीकेंड का लॉकडाउन है सैटरडे और संडे को। तो मैं अभी आज मैं बहुत ही जल्दी उठी हूँ और वेदर भी काफ़ी अच्छा है बाहर, ऐसा लगता है बारिश होगा। तो मैंने अपना मॉर्निंग का जितना सारा काम है वो सब मैंने कर ली और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट पे मैं आज बनाऊंगी डोसा। तो अभी डोसा को बनाने के लिए मुझे पहले आलू को बनाना होगा। आलू मैंने बॉईल करके रखा है और अभी इसको जस्ट मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी राई और कड़ी पत्ता। तो ये दो थोड़ा सा फ्राई हो जाए अच्छे से, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी अनियंस को। और अनियंस को ऐड करने के बाद इसको मैं अगेन थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फिर जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा बॉइल्ड पोटैटो में यहाँ पे ऐड कर दूंगी। फिर अच्छे से इसको अगेन मैं फ्राई करूँगी। आलू थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं थोड़ा सा लाल मिर्च और कोरिएंडर ये दोनों अच्छे से यहाँ पे दे दूँगी और थोड़ा सा अगेन फ्राई करके इसको मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी को ऐड करने के बाद मैं दूँगी यहाँ पे पीनट्स, और पीनट्स को ऐड करके थोड़ी देर इसको मैं बॉईल आने दूँगी। जब तक ये आलू जो है वो पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं बन जाता है तब तक के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने इंस्टेंट डोसा बैटर बनाया है, इसको मैंने घर पे नहीं बनाया है, जो मार्केट में ख़रीदने को मिलता है डोसा बैटर के लिए वही मैंने बनाया है। तो उस साइड पे बन रहा है आलू और इस साइड पे अभी मैं बनाऊँगी डोसा को। और बाकी का प्रोसेस तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। मैंने डोसा के अंदर आलू को डाल दिया है और मैंने जब आलू को बना रही थी आलू को तो उसी टाइम पे मैंने सॉल्ट भी ऐड की थी, बट पता नहीं यहाँ पे दिखाया है कि नहीं और मैं भी कहने के लिए भूल गए थे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी ऐड की है। तो अभी डोसा बनके तैयार हो गया है और उस साइड पे बन रहे हैं चाय। और यस, देखिए डोसा हमारा तैयार है और यहाँ पे मिस्टर ने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट भी कर दी है। तो चलिए मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे लंच प्रिपरेशन थोड़ा सा करके रखना है। और आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल। तो मिक्स दाल में भिगो के रख दी है और आज मैं शाक और ये स्पून्स ग्राउंड है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो वो बनाऊँगी। उसको भी मैं कट करके रख दूँगी अभी। तो चलिए, सब्जी कट करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा घर का सफाई वगैरह करने के लिए आ गई हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा पौधे पे पानी भी दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है, पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट कर दूँ पहले घर का काम, बट मुझे और दूसरा काम निकल गया, जैसे कि मुझे अभी मसालों को रोस्टेड करके ग्राइंड करना है। और ये है कोरिएंडर, धनिया का सीड्स,
और इसको मैं थोड़ा सा रोस्टेड करके ठंडा होने के लिए रखी हूँ। और ये है जीरा, जीरा को भी मैं रोस्टेड करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद इन दोनों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो चलिए ये दोनों काम तो मेरा हो गया है और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर बनके तैयार हो गया है। और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा क्लीनिंग घर का, क्योंकि देख ही रहे हैं कितना धूल जम गया है। तो अभी इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। पहले मैं धूल को एक ब्रश से निकाल लूँगी, उसके बाद एक गीले कपड़े से, थोड़ा सा गीला है पूरी तरह से नहीं, उससे वाइप कर लूँगी। और फिर जो भी डेकोरेटिव आइटम है अगेन मैं उनको अपने अपने जगह पे रख दूंगी और इस तरीके से मैं घर को पूरी तरह से साफ कर लूंगी। तो अभी घर पूरी तरह से मैंने डस्टिंग कर ली है फर्नीचर्स को, अभी मैं घर को डस्टिंग कर रही हूँ। और ये देख ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कचरे निकाला है, क्योंकि मैंने पत्ते वगैरह भी, कोई पत्ते ड्राई हो रहा था इंडोर्स प्लांट, तो उनको भी मैंने निकाल ली थी। तो इस तरीके से मैं घर को साफ कर रही हूँ। और घर को मैं डस्टिंग करने के बाद पोछा भी लगा लूँगी, लेकिन मैं पोछा लगाना शुरू नहीं करूँगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज सुबह से लेकर मैं ब्लॉग बना रही थी, बट मैंने आप लोगों को वेलकमिंग नहीं की है। वैसे तो मैंने आप लोगों से थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बैकग्राउंड में बात कर ही रही थी, बट मैंने फ्रंट कैमरा में आप लोगों से बात नहीं की थी।
तो अभी चलिए, मैंने शावर वावर ले ली है, पूजा वगैरह भी कर दी है, तो अभी मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। और आज लंच जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं, तो वो मैं बना लूंगी अभी फटाक से जाकर। और अभी काफ़ी देर हो गया है, मुझे बहुत सारा काम था तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था घर का काम करने में, तो अभी मैं फटाफट से लंच बना लूँगी, नहीं तो और भी लेट हो जाएगा। तो चलिए लंच बना लेते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मैंने दाल भिगो के रखा था मिक्स दाल, वो मैं प्रेशर कुकर पे बॉईल कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं तड़का लगाऊँगी। और फिर मैं यहाँ पे दूंगी थोड़ा सा पानी, सॉल्ट और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इससे खुशबू काफ़ी अच्छा आता है और प्रेशर कुकर से बाहर सीटी मारने के टाइम पे निकल भी नहीं जाते। तो अभी इस साइड पे मैं बनाऊंगी सब्जी, तो थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल ले ली है और उसके बाद मैं लूँगी अनियन ले लूँगी, और अनियन को मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे चिल्ली, और अभी इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। टर्मरिक और सॉल्ट को मैं ऐड कर दूँगी, फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करके ऐड करूँगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर मैं दूंगी धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो सब्ज़ी मैंने कट करके रखा था उसको मैं ऐड कर लूँगी, और सब्ज़ी मैंने आपको बताया था जो स्पॉन्स ग्राउंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और बैंगन दिया है मैंने, इन दोनों को मिक्स करके मैंने सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और अभी नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन चल रहा है, और ये है देसी चना जिसको मैं इस सब्जी पे ऐड करने वाली थी बट मैं भूल गई थी, तो इसलिए अभी मैं ऐड कर रही हूँ उनको। तो इस साइड पे अभी बनेगा साग। साग के लिए मैंने दे दिया है मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद मैं अनियंस और ग्रीन चिल्ली को ऐड करके थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, और एज यूजुअल जो टर्मरिक और सॉल्ट देती हूँ नमक हल्दी में दे दूँगी यहाँ पे। फिर मैंने ऐड की है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिलाकर साग को ऐड कर दूंगी, और साग को मैं तब तक इसको फ्राई कर दूंगी जब तक वो अच्छे से पक ना जाए, तब तक इसको ऐसे ही मैं विदाउट पानी देकर इसको इस तरीके से फ्राई करके रखूंगी, और बीच बीच में इसको मैं कवर भी करके रखूंगी। और उस साइड पे तो अभी सब्जी बन ही रहा है और ऑलमोस्ट हो गया है सब्जी, तो सब्जी हो जाने के बाद मैं लगाऊंगी दाल को तड़का, लेकिन अभी तक सब्जियां नहीं हुआ है तो दाल भी बनने में थोड़ा सा टाइम है अभी। धनिया देने के बाद इसको अगेन मैं थोड़ा सा हिलाकर इसको रख दूंगी सर्विंग बाउल पे, और कढ़ाई को मैं अगेन वॉश कर ली है, और फिर मैंने यहाँ पे दी है ड्राई चिल्ली
और तेज पत्ता देने के बाद ग्रीन चिल्ली और अनियंस को मैंने ऐड कर दी है और थोड़ी देर इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इसको फ्राई करते रहूँगी। और बीच बीच पे मैंने साग को भी थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। फिर मैं हल्दी थोड़ा सा दे दूँगी क्योंकि नमक मैंने बॉईल करने के टाइम पे दी थी तो अभी नमक का ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी दे रही हूँ धनिया पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। फिर मैंने टोमेटो को ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए कवर करके रख दिया है और अभी ऑलमोस्ट साग भी हो गया है। तो अभी मैं एक अंडा फोड़ के दे दूँगी वहाँ पे। तो अंडे को फोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, फिर इसको साग के साथ ऐड कर दूँगी और फिर अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो अभी ये फ्राई अच्छे से हो गया है तो मैंने दाल भी ऐड कर दी है और दाल में थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही गैस पे चढ़ा कर ही रखूँगी। तो अभी साग बन के तैयार हो गया है तो मैं अभी यहाँ पे चढ़ा दूँगी राइस को क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, मैंने आज 3-3 रेसिपी बनाया है तो मैं फटाफट से इसको राइस हो जाए तब हम लोग लंच कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा किचन को ठीक कर लूँगी, अपने अपने जगह पे हर एक चीज़ों को रखूँगी और जो जो कुछ भी बर्तन मुझे धोना है वो सब भी मैं धो कर रखूँगी। और उस साइड पे आप लोग जो देख रहे हैं बास्केट पे बर्तन है वो सब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का बर्तन है जिसको मैंने धोकर ड्राई होने के लिए रखा था। तो अभी उनको मैं ड्राई होने के लिए रखा था तो इसको अभी मैं रख दूँगी अपने अपने जगह पे क्योंकि वो सब ड्राई हो चुका है। तो इसलिए मैं अभी फटाफट से काम को स्पीड करके कर रही हूँ। तो चलिए, किचन पूरी तरह से साफ है और जितना सारा बर्तन है वो सब मैंने धो ली है और अभी मैं आराम से करूँगी लंच। तो लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लेने की सोची थी तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी और अभी हुआ है 5:30। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है बट मुझे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को और देर शूट करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं इसे सुबह से और ब्रेकफास्ट से लेकर अभी तक शूट कर रही थी। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक